गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल. स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस कॉजेज ऑफ डिजीज एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ द डिजीज. स्टूडेंट्स, द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप. फर्स्ट, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज देयर सिम्टम एंड टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज द डिजीज. स्टूडेंट, हम यहाँ पे दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट, उनके सिम्टम को हम क्या कर दें, कम कर दें. सेकेंड, हम माइक्रोब्स को ही किल कर दें जो डिजीज कॉज कर रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? अब कह रहे हैं माइक्रोब्स क्या है. माइक्रोब्स विच एंटर, माइक्रोब्स आर द टीनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज. दे सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. एंड माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. स्टूडेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोज के थ्रू अपना ट्रैक्ट चूज करते हैं, वो नोज के थ्रू हमारे लंग्स तक जाते हैं, तो वो क्या क्योज करते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस को क्योज करते हैं. ट्यूबरक्लोसिस इज अ टीबी. क्लियर? फिर कह रहा है माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ, जो माउथ से एंटर करते हैं वो डायरेक्ट हमारे गट्स तक जाएंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करेंगे, ओसियोफेगस से पास करते हुए स्टमक में, और स्टमक से फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में वो पहुंच जाएंगे. देन वो क्या क्योज करेंगे, वो टाइफाइड को क्योज करेंगे या फिर लीवर पर अटैक करेंगे और जॉन्डिक्स डिजीज को क्योज कर देंगे. टाइफाइड होता है बच्चों जिसको हम मोती झारा बोलते हैं हिंदी में, और जॉन्डिक्स होता है पीलिया. क्लियर स्टूडेंट्स? अब कह रहे हैं वायरस विच कॉजेज एड्स, जो एड्स कॉज करता है, एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम. स्टूडेंट्स, जो लिम्फ होते हैं, लिम्फ में वो पावर होती है जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं. एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है. अगर लिम्फ इफेक्टेड होंगे तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन क्या होगा, लो हो जाएगा, और हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? अब आता है विच वायरस विच कॉजेस जैपनीज एनसेफेलाइटिस ब्रेन फीवर, जिसको दिमागी बुखार कहा जाता है. जो वायरस हमारे ब्रेन में एंटर कर जाता है, और वो ब्रेन में कैसे एंटर करेगा, वो एक वैक्टर बॉर्न डिजीज है. वैक्टर, इसमें मॉस्किटो यूज़ किया जाता है, और मॉस्किटो क्या करेगा, जब हमें बाइट करेगा तो उसका इन्फेक्शन क्या करेगा, ब्रेन तक इन्फेक्ट कर देगा. ठीक है? और वो क्या करेगा, फिर जापानीज एनसेफेलाइटिस डिजीज कॉज करता है. तो ये तो एंट्री मोड थे जहाँ से माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है. क्लियर स्टूडेंट्स? अब कह रहे हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, हमें ये इफेक्ट कैसे कम करने हैं. फर्स्टली, दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ डिजीज, लाइक फीवर को कम कर दे, पेन को कम कर दे, लूज मोशन एक्सेट्रा. जो भी सिम्टम आपकी बॉडी में आ रहे हैं उन सब सिम्टम को वो कम कर दें. ठीक है? एंड बाई टेकिंग बैड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी. जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो सबसे पहले उसको यही कहा जाता है कि आप बेड रेस्ट कीजिए, ताकि उसकी एनर्जी सेव हो सके और उसके अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप हो सके. क्लियर? नेक्स्ट है टू किल द माइक्रोब्स. हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, माइक्रोब्स को किल करना. माइक्रोब्स किल कब होंगे, जब हम सूटेबल एंटीबायोटिक्स लेंगे या ड्रग्स. ड्रग्स इज आल्सो ए एंटीबायोटिक्स विच किल द माइक्रोब्स एंड डिजीज इज क्योर. और ये मेडिसिन कौन देगा, ये डॉक्टर के डॉक्टर देते हैं. ठीक है? अब प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटेशन, देर आर द टू वेज. फर्स्ट इज जनरल वेज, सेकेंड इज द स्पेसिफिक वेज. नेक्स्ट, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटेशन
Public hygiene is most important for prevention of infectious disease. ठीक है, proper and sufficient food for everyone will take proper health. अगर आप अच्छा खाना लोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और जो इन्फेक्शन से आपको रेजिस्ट करेगा, मीन्स आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रॉस नहीं होने देगा. एयरबॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशन डेट आर नॉट क्राउडेड. आप ऐसी जगह पे रहिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, क्राउडेड एरिया ना हो, तो एयरबॉर्न डिजीज आपको इफेक्ट नहीं करेंगी. वाटर बॉर्न डिजीज से बचने के लिए आपको सेफ आरओ वाटर पीना चाहिए ताकि वाटर बॉर्न डिजीज आपको अफेक्ट ना करे. वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, क्लीनिंग करके रखना चाहिए ताकि वहाँ पे मॉस्किटो ना हो, फ्लाइज ना हो जो आपके एनवायरनमेंट को स्पॉइल करती है. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंटेशन. द स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस डिजीज इज इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन. इम्यूनाइजेशन करना बॉडी को कैसे, विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी. वैक्सीन का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज लाइक टैटनस, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, मिसल्स, पोलियो. दीज आर द दोज डिजीज विच क्योर बाय द वैक्सीन. क्लियर? नाउ आवर बॉडी हैज इम्यून्यू सिस्टम. हमारी बॉडी के पास एक इम्यून्यू सिस्टम होता है विच फाइट माइक्रोब्स इन्फेक्शन. एंड वेन दिस सिम्टम फॉर सीन एंड इन्फेक्टियस माइक्रोब्स इट किल द माइक्रोब्स एंड रिमेंबर इट. सो माइक्रोब्स एंटर द बॉडी द नेक्स्ट टाइम इट रिस्पॉन्स इमिडिएटली विग्रसली. इफेक्ट वैक्सीन मिमिक द इन्फेक्शियस माइक्रोब्स स्ट्रेंथली आवर इम्यून्यू सिस्टम एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम दैट डिजीज. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, जब फर्स्ट टाइम आप बीमार होते हो, जो भी बीमार होता है कोई भी पेशेंट, तो फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन होता है वो 2 से 3 दिन तक जो होता है उसको हम एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं. ठीक है, और इस एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होगा कि हमारी बॉडी उन माइक्रोब्स को क्या कर लेगी, याद रखेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, जब आप ठीक हो जाते हो तो नेक्स्ट टाइम फिर से वही जब डिजीज़ आपको होती है तो वो एंटीबॉडी क्या होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी. जैसे ही वो सेकेंड टाइम में वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो क्या करेंगी, उसके अगेंस्ट अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे और आपकी बॉडी को क्या करेंगी, प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो आपकी बॉडी में बनती हैं, एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी में बन रही है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, काफ़ी इनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग टाइम तक होती है और ये आपकी बॉडी को सेफ रखती है. स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज़ कम्प्लीट एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.